इस बार की श्री अमरनाथ जी यात्रा जो है वो कुछ खास होने वाली है, क्योंकि इस बार की तैयारियां जो है वो भी कुछ खास है। बाहरी राज्य से आने वाले यात्रियों के लिए जो है कुछ खास जो है इस बार लखनपुर प्रशासन द्वारा किया गया है। जब भी श्रद्धालु लखनपुर में पहुंचेंगे तो सबसे पहले हमारी आन बान और शान हमारे महाराजा गुलाब सिंह जी की प्रतिमा, जो रॉयल डोगरा डायनेस्टी के राजा थे, उनका इतिहास जो है उन्हें पढ़ने को मिलेगा। और यहाँ पर बसोली आर्ट जो है वो भी दर्शाया गया है पेंटिंग्स के जरिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी पेंटिंग्स बनाने का दौर जो है यहाँ पर जारी है। और इस बार एक नई इनोवेशन जो है यहाँ पर की गई है, कठुआ द गेटवे ऑफ J&K, एक नई पहल जो है वो जिला प्रशासन द्वारा यहाँ पर की गई है, एक यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाकर। क्योंकि जितने भी बाहर से श्रद्धालु आएंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं आते ही इस बार सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र जो है लखनपुर बनने वाला है। सबसे पहले तो हमारे जो आन बान शान हमारे महाराजा गुलाब सिंह जी की प्रतिमा, हमारा जो कल्चर यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है, यहाँ पर जो सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, कहीं ना कहीं इस बार जो है लखनपुर में तैयारियां जो है वो मुकम्मल तौर पर पूरी हो चुकी हैं महाराजा माफ़ कीजिएगा अमरनाथ जी की यात्रा के लिए। जहाँ पर हमारे कुछ मित्र हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं सेल्फी पॉइंट पर, क्या कहेंगे इस बार नई पहल की गई है, फर्स्ट टाइम आपको ये देखने को मिला होगा कठुआ में, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा जो डोगरा कल्चर है उनकी जो बसोली की पेंटिंग है वो भी जहाँ पर शो की गई है, हमारे महाराजा जो गुलाब सिंह जी का स्टैचू है लोग जहाँ पर भी आके फोटो खिंचा सकते हैं, और हमारे जो जम्मू की सुंदरता है, हमारे कश्मीर की सुंदरता है, उसका आनंद ले सकते हैं। और भोले बाबा के दर्शन के लिए जो भी सेल्फी पॉइंट के बारे में क्या कहेंगे? सेल्फी पॉइंट भी बहुत अच्छा है, गेट वे ऑफ इंडिया, गेट वे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लखनपुर में जो सेल्फी पॉइंट है बहुत अच्छा है। कोई भी बाहर से जो श्रद्धालु अभी आप पहुंचे हैं यहाँ पर, अभी आपने क्या फोटोज वगैरह क्लिक की यहाँ पे? अभी हाँ, अभी फोटो वगैरह क्लिक की है थोड़ी बहुत। अच्छा लग रहा है इस बार देखकर कि इस बार की तैयारियां पिछले साल के मुकाबले, आप भी देखते होंगे कहाँ से, आप कठुआ से हैं? हाँ, हम जहाँ से लोकल है, पिछली बार हम गए थे अमरनाथ जी के, इस बार हम इधर जो DC कठुआ आए थे तो इधर आए थे हम प्रोग्राम में। पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा अच्छी तैयारी की है, पिछली बार जब सेल्फी पॉइंट भी नहीं था, इस बार जो सेल्फी पॉइंट भी लगाया गया। तो बिल्कुल, हमने सुना हमारे कठुआ के भाई हैं, लोकल हैं यहाँ पर, उन्होंने भी कहा है कि सेल्फी पॉइंट जो है बिल्कुल कहीं ना कहीं इस बार आकर्षण का केंद्र जो है वो भी बनने वाला है। एक इनोवेटिव आइडिया है कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से। और यहाँ पर आप देखें कि लगभग जल्द ही जो एक पहला जर्था जो है वो जम्मू के लिए यहाँ पर रवाना होने वाला है, DC कठुआ जो है उसे हरी झंडी देंगे। और इस बार जो है कहीं ना कहीं अमरनाथ जी यात्रा जो है बिल्कुल खासम खास होने वाली है, क्योंकि इस बार कुछ नया करने की कोशिश जो है वो जिला प्रशासन द्वारा की गई है। जितने भी बाहरी राज्य से यहाँ पर लोग पहुँचेंगे तो बिल्कुल वो यहाँ पर हैशटैग के साथ यहाँ पर फोटोज क्लिक करवाएंगे, और जम्मू कश्मीर के कठुआ का खासतौर पर नाम जो है इस बार बाहरी जो स्टेट्स हैं वहाँ पर भी नाम जो है वो भी रोशन होगा। और फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है इस सेल्फी पॉइंट को लेकर, क्या आप यहाँ पर पहुँचे हैं अभी या नहीं पहुँचे हैं? जितने भी कठुआ के लोग हैं जल्द यहाँ पर पहुँचे, और जल्द यहाँ पर पहुँचकर जो है इस इतिहास के बारे में, गुलाब महाराजा गुलाब सिंह जी के इतिहास देखें आप। यहाँ पर सोली आर्ट पेंटिंग्स जो है यहाँ पर आर्ट दर्शाया गया है वो आप देखें, और यहाँ पर पहुँचकर बिल्कुल आप यहाँ पहुँचे, और यहाँ पर पहुँचकर आई लव जो कठुआ है गेटवे ऑफ J&K है, यहाँ पर पहुँचे, यहाँ पर फोटोज क्लिक कराएं, और यहाँ पर हैशटैग जो है वो ज़रूर लिखें।